मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्योतिबा खुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीपुर। मैं सुनील तिवाड़ी कक्षा 10 को प्रतिदिन इंग्लिश ग्रामर के वीडियो भेज रहा हूँ, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो कल तक जो हमने हमारा टॉपिक चल रहा था रिकॉर्डेड स्पीच, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज हम आगे बात करेंगे। तो कल हमने इसके दो रूल्स पढ़ लिए थे। डियर स्टूडेंट, आप प्रतिदिन के रूल्स प्रतिदिन कंप्लीट करेंगे, आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। कल मैंने आपको रूल नंबर 1 प्रोनाउंस टेबल बताई थी, और प्रोनाउंस टेबल में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया था यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देयर, इट, इट्स, इट, और हू, हूज, हू। इसके अलावा रूल नंबर 2 जो अपना किया था हमने, वो किया था टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने दिस का दैट किया था, दी का दोज किया था, नाउ का देन किया था, अगो का बिफोर किया था, एयर का देयर किया था, हेंस का देन किया था, और टुडे का दैट डे किया था, टुनाइट का दैट नाइट किया था, टुमारो का था, नेक्स्ट डे था, फॉलोइंग डे था, डे आफ्टर, यस्टरडे का किया था हमने, द प्रीवियस डे, लास्ट डे एंड द डे बिफोर। इस तरह से हमने कल पढ़ा था। और आज हम कल तक हमने रूल 1, 2 एंड 3 तीसरे रूल के 4 स्ट्रक्चर हमने पढ़े। इट मीन्स मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना दिखा दिया, क्लियर है। अब आज चलेगा पास्ट टेंस, पास्ट को पास्ट में चेंज करना होगा आज हमें, ठीक है। इधर मैंने डायरेक्ट लिखा था एट, उधर लिखा था एट एट। यदि मान लो पांचवा हमको दिया जाए, कौन सा दिया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें ये लिखाया था कि इस टेंस के
हिसाब से है तो देखो यहाँ सब्जेक्ट लिख दूंगा मैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ दिया हुआ डेड डेड का तो पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट है, डेड चेंज होगा हेड में। यहाँ देखो आप नोट किया गया है तो नोट अगर उधर है तो इधर भी नोट आएगा, प्लस में वर्क की कॉम प्लस ऑफ, इस तरह से आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। नंबर सिक्स आता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा स्टेटस होता है बाद या वर्ब, बाद वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और आई एन जी के वर्ब के तुरंत बाद आता है आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इधर आई एन जी है तो उधर भी आई एन जी आएगा, क्लियर है, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी हुई है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में साथ में लग जाता है बी, बी के बाद हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एन जी के बाद और, क्लियर। इस तरह से आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं यदि आपने टेंस को मजबूती से पढ़ाया, यदि टेंस को आपने पहले डाल दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इसमें सेंटेंस बदलेंगे और एक्टिव पैसिव में आप आठ टेंस को कितने बदलेंगे, एक्टिव को एक्टिव पैसिव में आठ, इसमें कितने बदले हैं छह। तो अब आप ये ध्यान दो कि इसमें इन टेंसों के अलावा मॉडल भी चेंज होते हैं, तो मॉडल कितने होंगे, ओनली चार, चार मॉडल चेंज होंगे। आप देखो चार मॉडल, हाँ तो मैंने आपको बता दिया छह स्ट्रक्चर चेंज हो गए, अब आइए मैं आपको बताता हूँ चार मॉडल चेंज हो गए। पहला मॉडल दिया हुआ आपको कैन, कैन का हो जाएगा कुल, क्लियर, सैन, सैन का हो जाएगा शुड, विल, विल का हो जाएगा वुड, और मे हो जाएगा माइंड। ओनली चार मॉडल ही चेंज हो गए और एक भी चेंज नहीं हो। मान लो सपोज कह रहे कि आपके डायरेक्ट स्पीच में मस्ट आ गया, तो आप ध्यान रखना मस्ट का इनडायरेक्ट भी मस्ट ही होगा, अगर मस्ट के अलावा आपका विल आ जाता है तो विल का हो जाएगा गुड, क्लियर है आपका, परेशानी नहीं है, आप चलो आगे बढ़ो। देखिए ये आपके चार मॉडल मैंने आपको चेंज करना बता दिया है, आप देखिए अभी रूल हमारे कंप्लीट नहीं हुए, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि
इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को क्या कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के रूल में मैं डायरेक्ट ये दिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले आप एक नोट डाल दीजिए, नोट में नंबर एक, नंबर एक है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए बाहर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सा भाग होता है, जैसे यहां लिख देते हैं ना, ही सेड टू मी, ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहता है आपका रिपोर्टिंग पर, ठीक है। हाँ, नंबर दो, नंबर दो पर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीड, रिपोर्टेड स्पीड है। क्लियर है यहां तक, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को तो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग जैसे मैंने लिखा इस साइड टू मी, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया आई एम गोइंग टू ये। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, तो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। यहां देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा है दोनों तरफ, यहां पर स्टॉप है, क्लियर। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आ जाइए रूल नंबर फोर, रूल नंबर चार, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है सेंटेंस कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस में दे देगा आपको से भी दे सकता है और से भी दे सकता है, ठीक है। से कैसे देगा, से कैसे देगा, यदि आप उसे पूछो कि सर से तो कब आएगा और से कब आएगा, तो आपको मैंने खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे होते हैं, पढ़ाए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ को आएगा एस मतलब से, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा से, इस तरह से आएगा तथा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपको क्या दिया होगा, फ्यूचर टेंस में आपको दिया होगा सेल्स या विल प्लस से, ठीक है, सेल या विल प्लस से दिया होगा। तो
डायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर्ब में ध्यान दीजिए आप, मैंने लिखवाया है लेकिन रिपोर्टिंग और प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस में आपको सेवा से दिया हो तथा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपको शरिया में प्लस से दिया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप ये ध्यान रखना, जब वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब में भी नहीं करेंगे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, यदि यहाँ आई के साथ एम आ रहा है और जब हम आई को चेंज कर रहे हैं ही आ रहा है, यहाँ ही में कर रहे हैं तो ही आ गया तो ही के साथ ही आएगा। यदि कार इनमें से होना चाहिए कुछ ना कुछ से या से इनमें से एक होना चाहिए या फिर सेगमेंट प्लस से होना चाहिए तो ही आप ऐसी कंडीशन जारी कर सकते हो। अदरवाइज अगर इनके अलावा जो कुछ आया तो ठीक है, तो आप इसको देखो एक बार, रूल को पढ़ो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो इस तरह से आपके रूल नंबर 4 हो गया। अब मैं आपको रूल नंबर 5 दिखाऊंगा। देखिए रूल नंबर 5, अभी जस्ट हमने शुरू करा था प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस के अनुसार परिवर्तन कर आ गया समझ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहा डायरेक्ट स्पीच में पास्ट, पास्ट टेंस का मतलब है जैसे आई सेड टू हर, ठीक है, ये आपका होता है पास्ट। पास्ट टेंस में यदि सेड आ गया
अब ये क्या किया है, पास्ट टेंस दे दिया, सेड आ गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमको टेंस के अनुसार परिवर्तन करना है, ये इसका डायरेक्ट रूप दिया हुआ है। आप बनाना है हमको प्रेजेंट, डायरेक्ट कैसे बनेगा देखो, ये कहलाता है देखो इन वर्ड, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इनवर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इनवर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बताया था मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की इकाई, सेड टू चेंज टू होल्ड, अभी बताऊंगा मैं आपको कहां किसमें कौन बदलेगा, ऐसा हर लिखेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंट रूप का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर यू दिया गया है, अगर मैं बात करूँ कि यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट में तो ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से जो रहा है, ऑब्जेक्ट का हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा सी वाज वाज चेंज टू हैड बीन, कोई का कोई टू सिनेमा, और यस्टरडे का हो जाएगा जस्ट प्रीवियस डे। इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाए। एक रूल और है अभी उसको भी लिखवाए, इसका स्क्रीन शॉट लेना न भूलें, लगातार ले लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने आपको ये रूल दिखा करके इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको क्लियर कर दिया है कि यदि पास्ट टेंस होगा तो देख लो यहाँ कौन सा टेंस था, आप देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था और मैंने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया, ध्यान देंगे आप बार बार मैंने हेड बीन में चेंज किया, यहाँ आई होती है तो यहाँ भी आई होती है, क्लियर है, आ गया समझ में, अब आता है आपका रूल नंबर। लेते रहे समय समय ताकि कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। आइए रूल नंबर पढ़ते हैं, रूल नंबर सिक्स। देखो ये रूल कई जो टीचर होते हैं या कोई हो इस तरह से बता देते हैं। आप ये बता दें वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इनको पूरा भी लिख सकते हैं, है ना, तो मैं इसके बारे में पूरा बता दूँ, शॉर्टकट में नहीं बताएंगे, लॉन्गकट में चलना, शॉर्टकट में नंबर भी वहाँ शॉर्टकट हो जाते हैं। एग्जामिनर अगर तुम शॉर्टकट चलोगे तो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कर देगा, तो देखो लॉकेट में एक्सप्लेन करो इसको। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर एक सिक्स का नंबर वन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग
पास्ट टेंस में क्या दिया होगा आपको सैड, तो ये पूरा जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार चेंज होगा। रूल नंबर सिक्स में मैंने आपको बता दिया कि यदि रिकॉर्डेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन समझते हो आप आई माई मी वी आवर अस, ये दिए हुए हैं तो ये इसके अनुसार रिकॉर्डिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि मान लो रिकॉर्डेड स्पीच में सेकंड पर्सन जैसे यू योर यू दिया है तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यदि मान लो थर्ड पर्सन ही नेम सी आर आर दे दिया दिया है इसलिए नो चेंज रहेंगे। अब मैं आपको कल ये बताऊंगा जैसे सेकंड पर्सन में हमारे पास एक यू सब्जेक्ट में भी आ रहा है, एक लास्ट ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट में तो कब आएगा जब होगा और ऑब्जेक्ट में कब आएगा जब ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनका अंतर कल मैं आपको बताऊंगा, प्लस एग्जाम्पल भी अपने कल चलेंगे। तो इसलिए आप सारे रूल्स सारे स्ट्रक्चर क्लियर करके आएंगे और कल मेरी क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही।